नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ पांच लोग जिनसे दूर भागती है धन की देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन से पूर्व सभी देवता निर्धन और ऐश्वर्यहीन हो गए थे तथा लक्ष्मी के प्रकट होने पर देवराज इंद्र ने माँ लक्ष्मी की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने देवराज इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे द्वारा दिए गए दादाक्षर मंत्र का जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन तीनों संध्याओं में भक्तिपूर्वक जप करेगा वह कुबेर सदृश ऐश्वर्य युक्त हो जाएगा। मंत्र ऐं ह्रीं श्री अष्ट लक्ष्मे ह्रीं ह्रीं सिद्धे मम ग्रह आगच्छ गच्छ। विष्णु पुराण नमः स्वाहा। मंत्र ऐं ह्रीं श्रीं अष्ट लक्ष्मे ह्रीं श्रीं सिद्धे मम ग्रह आगच्छ गच्छ नमः स्वाहा। विष्णु पुराण में इंद्र द्वारा देवी लक्ष्मी की स्तुति की गई है। देवराज इंद्र के अनुरोध पर देवी ने कहा कि वह मनुष्यों पर कृपा करेंगी, लेकिन जिन लोगों के घर में वह पांच चीज़ें होंगी उनके घर में अधिक समय तक नहीं रहूंगी। जब देवराज इंद्र ने पूछा कि वह पांच चीज़ें क्या हैं तो देवी ने बताया वह यह नाम काम भावना। जहाँ पर घर में स्त्री पुरुष काम में अधिक लिप्त रहते हैं उस घर में धर्म की उपेक्षा होती है। ऐसे घर में लक्ष्मी का वास अधिक समय तक नहीं रहता है। मद यानी अहंकार। जिस घर में लोग अपने अहंकार में डूबे रहते हैं वहाँ अज्ञानता और क्रोध बढ़ता है, इसीलिए यहाँ देवी लक्ष्मी नहीं रहती हैं। लोग जिस घर में लोग लालची हो जाते हैं वहाँ भी लक्ष्मी का वास अधिक समय तक नहीं होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि लोपस्य पाप कारणम हिंसा। जिन घरों में अधिक मांस मछली का प्रयोग होता है उस घर में देवी लक्ष्मी नहीं ठहरती है। स्त्री का अपमान। जहाँ स्त्री का अनादर होता है वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।